बलवान की तरह दिख रहे हैं, ये इसका राज बताएं और हमारी सदस्यों के प्रति, हमारे दोस्तों के प्रति बताती है। देखिए मैं टेंशन लेता नहीं हूँ, टेंशन देता हूँ तो। और बीवी की बातें एक कान से सुनता हूँ, दूसरे कान से निकाल देता हूँ, ज्यादा टेंशन नहीं लेता, लेकिन बीवी के सुनता जरूर है। सर नीचे झुका के जो कुछ भी बोलती है तो हाँ कहता हूँ, तो उसी में मजा है, आराम से फिर जीवन जी सकते हैं, बस यही राज है। नहीं उसके अलावा जेन्युइनली सिंपल लाइफ जीता हूँ, माँ बाप के साथ, आज भी मैं अपने माँ बाप के साथ रहता हूँ, तो वो जो एक बॉन्ड है, वो जो सिंप्लिसिटी है घर में हमेशा रहती है, खुश रहता हूँ, कंटेंट रहता हूँ। एक फ्राइडे ख़राब भी हुआ तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेता, मैं भूल जाता हूँ और अगले फ्राइडे के लिए तैयार हो जाता हूँ। तो आई थिंक कहीं ना कहीं एक सिक्योर इंसान हूँ, और अच्छी आदतें हैं, ना सिगरेट ना दारू, टाइम पे सोना, सुबह जल्दी उठना, योगा करना और ट्रेनिंग करना, आई थिंक उस वजह से मैनेज करवाया हूँ। दोस्तों बड़ी प्रेरणादायक बातें, बीबी की बात नहीं सुनते हैं, सुनते हैं लेकिन कहाँ से निकाल देते हैं, ये बड़ी नसीहत है हम बड़ों के लिए, और बच्चों के लिए बड़ी अच्छी नसीहत है कि रोज सुबह उठते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और आज भी योगा करते हैं। सर आपका करियर बहुत ही बेशुमार है, 110 फिल्मों से ज़्यादा आपने काम किया है, हर तरह के एक्शन, रोमांस, कॉमेडी, अपने आप को किस रोल में ज़्यादा फिट मानते थे सर? एक फौजी के किरदार में, बेसिकली यूनिफॉर्म हो, जहाँ भी एक यूनिफॉर्म होता है उस किरदार को निभाने का मज़ा अलग ही होता, क्योंकि हम रियल हीरोज को रियल हीरो खेलने का मौका मिलता, दिन रात बॉर्डर पे हो या शहर के अंदर तैनात रहते हैं, और हमारे लिए यही कोशिश करते हैं कि हम रात को आराम से सोए बिना टेंशन के। आई थिंक वो जो मज़ा है वो अलग ही है, जैसे मैंने मेरा किरदार है बॉर्डर में हो या आन में हो या विनाशक जैसी फिल्म में हो, जहाँ यूनिफॉर्म की बात आती है तो आई थिंक मुझे मज़ा कुछ और ही आता है। सर कस्टम्स ऑफिसर का कभी रोल किया क्या आपने? सर आप बोलेंगे तो कर देंगे। सर एक करके दिखा दो सर। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली करेंगे, लेकिन काफ़ी मेरा मानना है कस्टम्स हो, एयरफोर्स हो, आर्मी हो, नेवी हो, पुलिस हो, आई थिंक वो सब यूनिफॉर्म्स में वो बात है। मैं यूनिफॉर्म की जब बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इसकी नहीं बात कर रहा, मैं एक पब्लिक सर्वेंट की बात कर रहा हूँ, जो आई थिंक विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल जॉब्स एवर। आप कहीं भी जाइए आपको फर्क महसूस होता है एक सिविलियन और एक यूनिफॉर्म सर्विस। यूनिफॉर्म एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच सर। अब हम स्टेज पर बुलाते हैं हमारे प्रेसिडेंट सर दिलीप गोयल सर को स्टेज पर, हमारे आज के सेलिब्रिटी, उनका सम्मान करने के लिए, और हमारे वर्मा जी हमारे अतिथि को, हमारे सेलिब्रिटी को सम्मान करने के लिए प्लीज आप भी आए। परिवार थोड़ा सा पीछे हो जाए ना प्लीज। सर दिलीप गोयल सर हमारे परिवार एडिशनल कमिश्नर साहब हैं, आपसे मुखातिब हैं, दो शब्द सर से सुनना चाहेंगे।